शहर से हों या वहाँ के छोटे गांव से हों, तो हम किसी भी शहर के बच्चे से कम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बड़े सिटीज़ के बच्चों से कम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो आपको अब मैंटालिटी चेंज करनी है। और आज मैं थोड़ा सा आप सब पे इसीलिए नाराज़ हो रही थी कि ये सेशन आपके लिए रखवाया गया है। तो कुछ बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसलिए हमने मेडिकल का भी जो स्ट्रीम है उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, इसलिए आपको उनसे रूबरू कराया। फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज से हमारे पास जो है, हमने उनसे आपकी बातचीत कराई। फिर आजकल बहुत सारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आर्ट स्टूडेंट काफ़ी सारे आए हैं, तो वो सारे बच्चे जो लॉ के लिए पढ़ते हैं, लॉ में अपना करियर देखते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं या जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, इसलिए आपको क्लैट के बारे में बताया गया। पहले आप कॉलेज जाओगे आईएएस तो बनोगे नहीं सीधे, तो इसमें ये है कि आप कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट लें, यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है कि इसमें हर स्ट्रीम आपका सिलेबस का हिस्सा हो। तो आप जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट परस्यू कर रहे हो, उसका सिलेबस का कुछ ना कुछ पोर्शन हमारे यूपीएससी के सिलेबस का भाग होता है। तो जब आप अपने 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो जब भी आप ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे, आप समझिए कि इन अ वे आप अपने यूपीएससी के ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पोर्शन की जो सिलेबस मैच होगा। साथ ही जो सिलेबस आपके 11th 12th के सिलेबस से मैच करता हो, उसका आप रिविजन कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर रीडिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कॉलेज पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत टाइम है कि आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं, तो फिर आप यूपीएससी की जो किताबें हैं वो लेके उसकी भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। पर आपको पहले तो ग्रेजुएशन करना है अपना, और फिर कुछ महीने और प्रिपेयर करके यूपीएससी के एग्जाम। अगर बोर्ड एग्जाम के लिए बचे हैं सिर्फ 2 महीने, तो अब आपको करना है रिविजन, खूब सारा रिविजन। आपने पूरे साल तो कर ली बहुत अच्छी पढ़ाई, पर काफ़ी बार क्या होता है, किताबें और चैप्टर्स तो हम बहुत बार पढ़ लेते हैं पर उसको रिवाइज नहीं करते, और रिवाइज नहीं करते तो इनपुट तो आ रहा है पर पेपर लिखते हुए आउटपुट नहीं आ रहा, तो आउटपुट नहीं आ रहा तो मार्क्स नहीं आ रहे, सही है? तो इसलिए आपको खूब सारा रिविजन करना है। और अगर 2 महीने बचे हैं तो आप उसमें ऐसे करिए कि पूरा सिलेबस डिवाइड करिए दिन वाइज और हफ्ते वाइज, कि इस हफ्ते तो मैं ये पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन करूँगी। तो आपके मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, 5, तो आपके पास 2 महीने हैं, तो आप उन 5 सब्जेक्ट को 4 हफ्तों में डिवाइड करिए, हर चैप्टर का रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और याद करिए उसे जितने अच्छे से कर सकते हैं, चाहे लिख के करें या बोल बोल के करें, क्योंकि दोबारा पढ़ने से तो अब उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने से। क्योंकि जो पढ़ा है वो आपकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आप जब पेपर लिखने जाएं तो उसको लिख पाए आराम से, जो आपने पढ़ा है उसको याद करके रिटेन करके आप पेपर में भी उसे लिख पाए। सो मेरा आपको ओनली 1 टिप है कि आप खूब सारा रिविजन करें।